राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के ठीक सामने की तरफ जो फूड प्लाजा है उस पर हम खड़े हैं और आज फिर से एक बार पूरे राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिट हम तुमको करवाने वाले हैं। तो गेट नंबर 3 है ये और आपको कुछ इस तरीके से एक बोर्ड मिलने वाला है जिस पे लिखा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और एक साइन लगा हुआ है कि इधर है। तो ये जो है आपको व्यू मिलने वाला है यहाँ पर आकर। तो दिस इज़ द फर्स्ट व्यू ऑफ गेट नंबर 3। आगे की तरफ लेकर चलते, एक्चुअली ये वाला गेट है खुला रहता है और ये वाला गेट मुख्यतया बंद रहता है, परंतु अभी जो है स्टूडेंट्स कम आए हैं, रीओपनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी अभी हुई नहीं है जिसकी वजह से जो वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं अभी बंद हैं। और बाकी जो है एंट्री यहाँ से होती है, देख लीजिए यहाँ पे एक मशीन भी लगी रहती है। तो एक बार यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से चालू हो जाए तो जो है स्टूडेंट्स की एंट्री यहाँ से होने वाली है और यहाँ पर एक मशीन लगी हुई है जिसके अंदर मेटल या फिर किसी तरीके के जो पदार्थ होते हैं, मुझे नहीं पता किस तरीके की सिक्योरिटी, बट वो सिक्योरिटी के इंतज़ाम है यहाँ पर। और आपको यूनिवर्सिटी का पहला व्यू ये मिलने वाला है। और तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी में घुसने के बाद आपको यहाँ आना पड़ेगा और सुरक्षा कर्मियों से अपना परिचय देना होगा। तो सर किस तरीके से जो है अगर कोई स्टूडेंट्स बाहर से आता है तो किस तरीके से आप एंट्री करवाते हैं? घर से आते हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, उनका मेल वगैरह चेक करते हैं, उनका मेल वगैरह चेक करते हैं, क्योंकि रीओपनिंग यूनिवर्सिटी की हुई है और जिन जिन स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है यहाँ पे उन्हीं को एंट्री दी जा रही है। तो उसके रिगार्डिंग जिनके पास यहाँ से चीफ वार्डन साहब के यहाँ से मेल जो आता है उस मेल को यहाँ पर चेक किया जाता है। तो और यहाँ पर क्या क्या लिखा जाता है सर? ये देखिए यहाँ पर नाम लिखा जाएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर है, गाड़ी से आता है, व्हीकल आता है तो व्हीकल के नंबर है और टाइप ऑफ डिपार्टमेंट का कौन सा है, कौन सा डिपार्टमेंट, हॉस्टल कौन सा है, रूम नंबर, पर्पज और या फिर आउट जा रहा है, इन जा रहा है, वो टाइम यहाँ पर लिखा जाता है। उसके अलावा सिग्नेचर है। मैडम लड़कियाँ आती हैं यहाँ पर तो लड़कियों से किस तरीके की पूछताछ या फिर किस तरीके से जो है उनसे एंट्री करवाई जाती है? घर जाती है तो मेल चेक करते हैं, घर जाते तो मेल चेक किया जाता है और घर से आते हैं तो? घर से आते हैं तो बस यही पूछा जाता है कि भाई आप घर से आए हो तो होम की एंट्री करवाते हैं। अच्छा, और लड़कियां कितने बजे बाहर गईं, कितने बजे अंदर आई? मैम अगर स्टूडेंट्स का कोई पेरेंट्स आता है तो उसके लिए किस तरीके की एंट्री की जाती है यहाँ पे? विजिटर के नाम से ही करते हैं। अच्छा, विजिटर के नाम पे यहाँ पे एंट्री की जाती है। और आप देख लीजिए यहाँ पर अभी कोरोना गया है और हम नहीं कहेंगे पूरी तरीके से गया है, तो उसके लिए यहाँ पर सैनिटाइजर लगा हुआ है। और लगातार हम यूनिवर्सिटी की सफाई व्यवस्था को दिखा रहे थे इतने दिनों, तो दोबारा से एक बार दिखा देते हैं। ये यूनिवर्सिटी की सफाई व्यवस्था है, एकदम क्लीन यहाँ पर यूनिवर्सिटी है। और इस तरीके का व्यू आपको गेट नंबर 3 पर मिलेगा। हालाँकि अभी स्टूडेंट्स की कमी के चलते आपको यूनिवर्सिटी में ज़्यादा जो है आवाजाही नज़र नहीं आ रही है, और परंतु जो है यहाँ पर आवाजाही लगातार जारी रहती है। स्टूडेंट्स जो है बाहर जाते हैं, स्टूडेंट्स फिर अंदर आते हैं और तमाम तरीके की सिक्योरिटी को इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर। और आपको सबसे बढ़िया एक चीज़ दिखाता हूँ, कैंपस के अंदर स्पीड लिमिट जो है तय किया गया है कि 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही आप कैंपस के अंदर व्हीकल चला सकते हैं। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो एंट्री कर रहे हैं, या तो आप बाहर से आए या फिर बाहर जा रहे हैं? बाहर से आए हैं। तो किस तरीके की एंट्री आपने की है? विशाल प्लस 2। हाँ, विशाल के साथ 2 जने गए थे। हाँ। वो अभी वापस आ गए हैं या जा रहे हैं? आ रहे हैं। अच्छा, वापस यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, तो उन्होंने अपने आप को इन कर लिया है कि अभी वो देखिए 12:17 हो रहे हैं और ये देखिए 12:17 ये भाई साहब अंदर आ गए। तो यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 पर आपको ये चीज़ मिलने वाली है। बाकी आपको अंदर की तरफ हम लेकर चलते हैं। अंदर का नज़ारा क्या है पूरा जो है आज आपको ये करीब 20 की वीडियो आपको मिलने वाली है। और यूनिवर्सिटी का शायद आधा कैंपस मैं आपको दिखा पाऊँ, उसके अलावा आधा कैंपस दूसरी वीडियो में दिखा पाऊँ। तो ये आज का यही है कि आज जो है कैंपस को पूरी तरीके से मैं दिखा दूँगा। तो गेट नंबर 3 से हम जो है यूनिवर्सिटी
की तरफ बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हम आगे की तरफ जा रहे हैं। और हमने बाइक के हेलमेट के ऊपर एक्शन कैमरा लगा लिया है। इस तरीके का व्यू जो है आपको मिलने वाला है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यूनिवर्सिटी का ये जो वो पेड़ है जो यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 की सुंदरता को डबल कर देता है, जो बीच जो है सड़क के बीचों बीच में लगा हुआ है। तो सबसे पहले आज जो है हम पूरी यूनिवर्सिटी का विजिट करने वाले हैं। पहली वीडियो जो हमने डाली है वो गेट नंबर 1 से लेकर गेट नंबर 3 से एग्जिट है, और ये वाली वीडियो है जो गेट नंबर 3 से हम इन होंगे और भीतर ही भीतर यूनिवर्सिटी की पूरी वीडियो आपको इसमें पूरा व्यू जो है आपको दिखने वाला है। क्लीनिंग देख लीजिए, सबसे बड़ी बात क्लीनिंग की ही हम कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, और सड़क एकदम साफ सुथरी हमें नज़र आ रही है। और ये दो जो बोर्ड हैं आपको दिखने वाले हैं जिस पे लिखा है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो यहाँ पे आपको दो रोड मिलने वाले हैं। और आज जो है मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ये देख लीजिए आप कि यहाँ पर कैंटीन है और स्टूडेंट्स यहाँ पर आके आराम से बैठ सकते हैं और पढ़ाई से संबंधित या फिर जो भी बातें करनी है, चाय पीनी है तो यहाँ पे पी सकते हैं। ये आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से फैसिलिटीज़ के नाम पे बैंक ऑफ इंडिया का बैंक मिलने वाला है। और थोड़ा सा आगे चलने पर ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे तो बगल में जो हॉस्टल दिखा है वो हॉस्टल नंबर B4 है, लड़कियों का हॉस्टल है B4। और ये स्वास्थ्य केंद्र है बगल में जिसे हम दिखा रहे हैं, अंदर एम्बुलेंस खड़ी है, ये भी फैसिलिटीज़ में आती है। देखिए सबसे बढ़िया ये है, स्वास्थ्य केंद्र के बाहर का जो नज़ारा, जो एक छतरी आपने देखी थी, बहुत खूबसूरत लगती है वो। और इवन मैं भी यहाँ पर कई बार खड़े होकर अब फोटोज़ क्लिक करवाता हूँ और कई बार जो है यहाँ पर इंटरेस्टिंग आपको दिखाते हैं। देखिए जो है अब हम बढ़ रहे हैं तो आपको आगे अब एक्टिविटीज, अब कुछ गेम एक्टिविटीज दिखाने वाले हैं, वो देखिएगा आप। और यूनिवर्सिटी में इन दिनों वॉलीबॉल प्रतियोगिता होनी है, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रैक्टिस हम आपको दिखाने वाले हैं और किस तरीके से है, कौन सी जगह है यूनिवर्सिटी की जहाँ पे वॉलीबॉल खेल सकते हैं। तो आपका इंतजार होता है खत्म और देखिए कैमरा हम मुड़ा रहे हैं उनकी तरफ जहाँ ये चीज देखिए, इधर देख लीजिए आप, यहाँ पर गेम चल रहा है और स्टूडेंट्स जो हैं वॉलीबॉल प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। और ये एक गेम एक्टिविटी है, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड करवाई हुई एक फैसिलिटीज है फॉर स्टूडेंट। अब वो इसका देखिए किस तरीके से जो स्टूडेंट है आराम से, मतलब आज संडे है, संडे के दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं और दोपहर के करीब 12:30 बज रहे हैं, आपको टाइम इस पे स्क्रीन पे भी दिख रहा है, दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और हम ये वीडियो बना रहे हैं, और जिसमें आप देख लीजिए स्टूडेंट किस तरीके से वॉलीबॉल खेलने का आनंद ले रहे हैं, वॉलीबॉल खेलकर अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस प्रतियोगिता के लिए जो प्रतियोगिता सोमवार से यानी कि कल से होनी है। आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है आपके लिए सोमवार कब सुनाई दे, रविवार कब सुनाई दे, तो हो सकता है आपके लिए ये चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो ये पहचानना। बाकी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 21 नवंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 21 नवंबर को रविवार है और 22 नवंबर को सोमवार है, 22 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक जो है वॉलीबॉल प्रतियोगिता रखी गई है। और ये देखिए टेनिस कोर्ट में आपको ले चलते हैं, तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि जो है गेम फैसिलिटीज यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड करवा रखी है, उन चीज़ों को भी आज हम कवर कर रहे हैं। और आज का ये वीडियो करीब 40 मिनट, बहुत बड़ा वीडियो है ये और इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि मैंने अपने आप की रिस्क के ऊपर ये वीडियो बनाया है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ों को मैंने यूनिवर्सिटी की जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनको पूरा कवर किया है, लाइक डिपार्टमेंट्स को मैंने छोड़ा है अभी, क्योंकि डिपार्टमेंट का हर डिपार्टमेंट का अलग अलग वीडियो आप तक प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो इस तरीके का जो है टेनिस कोर्ट आपको मिलने वाला है, बीच में जो है जाल लगा हुआ है टेनिस का और ये टेनिस कोर्ट है, टेनिस कोर्ट से बाहर अब हम निकल रहे हैं। तो
देखिए उधर वॉलीबॉल ग्राउंड है, इधर टेनिस कोर्ट है, और दोनों हैं बिल्कुल आमने सामने ही जिसे हम कह सकते हैं, और गर्ल्स हॉस्टल B4 है उसके नियर बाई ये दोनों हैं। तो अब हम जो है यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल्स पे हैं, और ये जो है प्लाजा देख रहे हैं आप B2 है। B2 से हम B3 की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये प्लाजा अब B3 आ जाता है, और B3 का प्लाजा है ये, और B3 के बाद अब ये एटलीस्ट B4, क्योंकि चार हॉस्टल्स यहाँ पर हैं और एक हॉस्टल जो है अभी नया बना है लड़कियों का, वो अलग है। और आप देखेंगे यहाँ पे गुनगुन स्टैंड है, गुनगुन लाइक कि जो पूरी यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स को बांदा सिंदरी बस स्टैंड और बस स्टैंड से यूनिवर्सिटी तक छोड़ता है, वो गुनगुन जिस गाड़ी का नाम गुनगुन कहा जाता है। ये देख लीजिए आप सिक्योरिटी के लिए, यहाँ से सिक्योरिटी जो है पूरा की पूरा मैनेज होता है, सिक्योरिटी इंचार्ज और ड्यूटी ऑफिसर जो है यहाँ पर बैठते हैं। तो थोड़ा सा ही अंदर घुसने पे आपको इजीली दिख जाएगा कि जो है सिक्योरिटीज के नाम पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स वगैरह फुल अवेलेबल यहाँ पर रहते हैं। और ये हॉस्टल का व्यू आ गया आपका, ये हॉस्टल है B6, और जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं बाहर खड़े हैं, स्टूडेंट कहते हैं उन्हें, स्टूडेंट्स नहीं कहते, तो लगातार हमसे गलती हो रही है, स्टूडेंट्स बोलने के चक्कर में हमसे सही नहीं बोला था। ये B5 हॉस्टल है, यहाँ से भी हम निकले हैं, और V5 के जस्ट बगल में मेगा मैस है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये मेगा मैस है। यहाँ पे बॉयज के लिए खाना, नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, सब कुछ मिलता है, तो ये मेगा मैस है। गर्ल्स के लिए जो है अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करा रखी है, गर्ल्स अपने हॉस्टल के अंदर ही खाना खाती हैं, तो बॉयज जो है सभी एक जगह इकट्ठा होकर खाना खाते हैं, और गर्ल्स का अलग अलग हॉस्टल के अंदर अलग अलग मेस संचालित है जिसमें लड़कियां हैं वो खाना खाती हैं। तो आज जो है ये इस वीडियो में आपको एक चीज़ और बताने वाले हैं, ये देखिए जो फैकल्टी को किस तरीके के अपार्टमेंट मिले हुए हैं, इसके लिए हम यहाँ से मुड़ जाते हैं, देख लेते हैं फैकल्टी को किस तरीके के अपार्टमेंट मिले हुए हैं। तो ये फैकल्टी के अपार्टमेंट्स हैं, और ये अपार्टमेंट बिल्कुल मेगा मैस के जस्ट पीछे है, जिन्हें कह सकते हैं मेगा मैस के जस्ट पीछे हैं, और डिपार्टमेंट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो फैकल्टी के लिए इजी हो जाता है डिपार्टमेंट पहुँचना। और दूसरी बात, डिपार्टमेंट के बिल्कुल पास में होने से वो कई बार प्रोफेसर जो हैं पैदल भी आ जाते हैं डिपार्टमेंट में, और बाकी सभी प्रोफेसर के पास जो है खुद का व्हीकल है। तो एक डिपार्टमेंट सॉरी एक जो है अपार्टमेंट ये हो गया, उसके अलावा दूसरा अपार्टमेंट भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज जो ये वीडियो है हमने जो उसकी एक्चुअल स्पीड है उस पर ही रोका है, हमने इस स्पीड को डबल नहीं किया, हमने इस स्पीड को बढ़ाया नहीं है, क्योंकि हो जाएगा वीडियो बड़ा, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। लास्ट वीडियो जो है हमने बनाया था, ये कल्चर मीडिया डिपार्टमेंट के प्रांता सर थे जो अभी अपनी बिटिया के साथ जो है कहीं बाहर, आई डोंट नो बट बाहर जा रहे हैं। तो ये है सेकेंड अपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी फैकल्टी, और उनके लिए केवल प्रोवाइड करवाए जाते हैं अपार्टमेंट्स, और जिसमें उनकी फैमिली रहे या फिर वो खुद अकेले रह सकते हैं। तो अब चलिए, अब रोड पर चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं सीधा एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन की बिल्डिंग के पास आपको लेकर चलेंगे। और हाँ, हम बात जो कर रहे थे कि ये वीडियो है हमने एक्चुअल स्पीड पे इसलिए बनाया है क्योंकि जिससे आपको, आप अगर बाइक चलाएं तो कम से कम पता रहे कि ये चीज़ जो है यहाँ पर अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी के किसी भी कोने में जाइए और हमारी वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर आपको हमारी वीडियो का डेस्टिनेशन मिल जाएगा कि हम जो हैं अभी यहाँ हैं और यहाँ से हम इधर जा रहे हैं, हम राइट लेने वाले हैं। और यूनिवर्सिटी के 3 गेट हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूँ, 2009 में यूनिवर्सिटी जो है स्थापित की हुई है, और गेट नंबर 3 से हमने एंट्री ली है, गेट नंबर 2 है वो बहुत कम खुलता है, बहुत कम यूजेबल है, और गेट नंबर 1 ये देखिए झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो आपको ये एडमिन बिल्डिंग के जस्ट सामने जो है झंडा आपको दिख गया है, और करीब 10 सेकंड बाद में आपको पूरा नज़ारा एडमिन बिल्डिंग का दिखने वाला है। गेट नंबर 2 की तरफ अब हम सॉरी गेट नंबर 2 नहीं, गेट नंबर 1 की तरफ हम हैं। यहाँ पर देखिए ये गेट नंबर 1 है,
और गेट नंबर एक पे सिक्योरिटी के इंतजाम के रूप में वहां पर सुरक्षा कर्मी बैठे हुए हैं। और ये गेट नंबर एक से देखने पर बहुत बढ़िया जो है यूनिवर्सिटी का नज़ारा देखने को मिल रहा है, और ऊपर फ्लैग है। जस्ट सामने आप देखेंगे तो पूरी बिल्डिंग आपको दूर से ही नज़र आ रही है। तो जो हमने पहली कैंपस टूर की वीडियो बनाई थी उसमें हमने वीडियो की शुरुआत ही यहीं से की थी, और सबसे बड़ी बात की बिल्डिंग की खूबसूरती को दुगना करने के लिए बिल्डिंग के जस्ट सामने गणेश जी की मूर्ति स्थापित है, गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। और देखिए यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा है। और अब एडमिन बिल्डिंग से अंदर होकर हम वापस से राउंड मारने वाले हैं और आपको गेस्ट हाउस की तरफ लेकर चलेंगे, और उसके अलावा जो गर्ल्स हॉस्टल नया बना है उसकी तरफ आपको लेकर चलेंगे। ये एडमिन बिल्डिंग है, यहाँ से जो है एडमिन बिल्डिंग में प्रवेश मिलता है, और कुलपति जी की गाड़ी जहाँ से हम जस्ट निकले वहाँ पर खड़ी होती है। ये पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है। और अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में तमाम तरीके की फैसिलिटीज़ हैं, ना यहाँ पे पानी की दिक्कत है ना यहाँ पे सफाई की दिक्कत है। खाने की बात करें तो खाना भी हमने सातों दिन का ब्रेकफास्ट आपको दिखाया, बहुत शानदार नाश्ता मिला था हमें सातों दिन। सातों दिन के नाश्ते की सीरीज आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इजीली देख सकते हैं, उसमें प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। तो उसमें दे रखा है कि सीयूराज ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट में वहाँ पर है, और गर्ल्स के लिए ब्रेकफास्ट अलग मिलता है, तो उसकी सीरीज भी हम बना रहे हैं, और उसकी सीरीज भी आपको कहीं ना कहीं देखने में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब ये देखिए हम जो चल रहे हैं गेस्ट हाउस की तरफ चल रहे हैं। ये गेस्ट हाउस देखने में बहुत सुंदर है। और अगर बात करें दूसरी, तो ये देखिए तमाम तरीके के फूल हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। तो कोई अतिथि हमारे पास, हमारी यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में आता है तो लाइक उसका एक बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया जाता है। देखिए बगल में फूल लगे हुए थे आपने देखे, तो उस तरीके से जो है स्वागत किया जाता है। ये है गेस्ट हाउस है, यहाँ पे लिखा हुआ है गेस्ट हाउस अतिथि गृह। और अंदर का थोड़ा सा दिखा देते हैं कि किस तरीके का है ये गेस्ट हाउस। और यहाँ पर हम थोड़ी गाड़ी को अपनी को पार्किंग में लगा देते हैं और अंदर देख लेते हैं कि किस तरीके का व्यू आपको गेस्ट हाउस के अंदर मिलने वाला है। हालांकि गेस्ट हाउस के अंदर के रूम कैसे हैं, गेस्ट हाउस दिखता कैसा है अंदर से, क्या फैसिलिटीज गेस्ट हाउस के अंदर जो है उपलब्ध करवाई हुई है, इसके लिए हमने एक पर्टिकुलर स्पेशल वीडियो बनाई है जिसमें आप देख लीजिएगा कि गेस्ट हाउस दिखता है। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है गेस्ट हाउस के जस्ट फ्रंट गेट का। ये फ्रंट गेट है बिल्कुल, मतलब ये देखिए कि मैं अगर देखना चाहूँ तो मैं खुद उसमें शीशों में दिख रहा हूँ, इतना बहुत शानदार दिखता है बाहर से। अंदर से दिखने पे भी बहुत शानदार ये दिख रहा है। तमाम तरीके की जो है पेंटिंग्स यहाँ पर लगाई हुई हैं, पेंटिंग्स यहाँ पे की हुई है। और ये जो है रिसेप्शन आपको दिख रहा है, रुकिए एक मिनट, ये देखिए पहले आप कितना ब्यूटीफुल जो है पैलेस है यूनिवर्सिटी का, और कहीं ना कहीं होना भी है। ये रिसेप्शन है, यहाँ से आप जो है गेस्ट हाउस को बुक कर सकते हैं या फिर गेस्ट हाउस में रूम जो है ले सकते हैं। हालांकि गेस्ट हाउस में रूम लेने की प्रक्रिया क्या है, रूम कैसा है और कितने रुपया रूम की कॉस्ट है, इसकी एक वीडियो है हमने अलग से गेस्ट हाउस के ऊपर ही बनाई है, तो वो आपको इजीली देखने को मिल जाएगी। अब गेस्ट हाउस से बाहर निकल लेते हैं और यूनिवर्सिटी का भी एरिया बचा उसका भी विजिट करा देते हैं। करीब वीडियो को चलते 19 मिनट होने वाले हैं और मुझे लगता है कि इस वीडियो में आप तो बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि जो है इस वीडियो थी हमने उसमें म्यूजिक आउट कर, आप मेरी आवाज नहीं पहुंची, जिससे कुछ को शिकायत, कुछ स्टूडेंट को शिकायत कि इसमें जो है आप पास सही ना, तो इस वजह से जो है दोबारा से हमने ये वीडियो पूरा की पूरा क्रिएट किया है आपके लिए। और हम बाइक पे घूम रहे हैं, आपको पता है कितना रुपया लीटर पेट्रोल है, करीब 110 रुपये लीटर के पेट्रोल को जलाकर आपके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आप नए स्टूडेंट हैं तो कम से कम यहाँ आने से पहले इस वीडियो को देख लें और यहाँ की खूबसूरती के बारे में जान लें, तो ये ज़रूरी हो जाता है। और ये 2021 में वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है, तो ये आगे तक चलने वाली वीडियो है, तो इसके लिए थोड़ी लंबी वीडियो है ये कि देखिए सब पहले हम ये दिखा देते हैं कुलपति निवास, ये कुलपति जी का निवास भी यही है, VC रेजिडेंस। तो गेस्ट हाउस के जस्ट बगल में कुलपति निवास है और कुलपति निवास भी बहुत खूबसूरत है।
हालांकि अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं उस टाइम कुलपति की नियुक्ति यूनिवर्सिटी में है नहीं। अभी कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर नीरज गुप्ता हैं अभी, तो जिस वजह से जो है कुलपति निवास अभी कुछ दिनों के लिए बंद है, क्योंकि उन्होंने अभी इस कुलपति निवास को लिया नहीं है, वो गेस्ट हाउस में ही रह रहे हैं। तो गेस्ट हाउस में भी VVIP फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी आपको ईजीली। तो गेस्ट हाउस के बारे में वीडियो जो है पूरी 10 मिनट की हमने अपलोड की हुई है, और हम जो वीडियो हैं आपके लिए ही बनाते हैं, और आपसे कहीं ना कहीं आशा करते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करें, आप हमें लाइक करें, और आप हमें कम से कम जो नए स्टूडेंट हैं उन तक तो शेयर करें ही ये वीडियो, ताकि ये जो है नए स्टूडेंट जो आने वाले हैं या फिर पुराने स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कैंपस नहीं देखा, तो उनके लिए एक ईजी हो जाता है, और वो अपने फैमिली को दिखा सकते हैं कि लाइक मम्मी देखिए इस तरीके का हमारा हॉस्टल है, इस तरीके का हमारा जो है यूनिवर्सिटी कैंपस है। और देखिए अभी भी जो है पूरा काम कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी भी ये इधर शायद लाइब्रेरी बन रही है, तो मॉडिफाई किया जा रहा है यूनिवर्सिटी को पूरा, और ये मॉडिफाई होने का काम यहाँ पर लगातार जारी है। अब हम जा रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल जो नया बना था, OBC हॉस्टल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसके वाले रोड पर अभी हम हैं, और हम आपके लिए ये वीडियोस लेके आ रहे हैं। तो आपसे आशा करते हैं कि हमें भी थोड़ा रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, हालांकि हमें रेस्पॉन्स आपके द्वारा बहुत अच्छा मिला है, जिसके बाद हम ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमने जो टूर वाली वीडियो बनाई थी उसको बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने हमें कमेंट किए कि गुड जॉब एंड नाइस दिस इज वीडियोज नाइस एंड सो वी प्लान दैट ए वीडियो दैट दिस काइंड ऑफ वीडियो। ये OBC हॉस्टल है, देखिए जस्ट बगल में जो है हेलीपैड है जहाँ पे हेलीकॉप्टर आता है, ये देखिए ये इस तरीके का नया लड़कियों का हॉस्टल है, बाहर से दिखाया है आपको, अंदर वाली वीडियो भी हमारे पास हमारे जो है लिंक में मिल जाएगी। ये जो है रोड है हेलीपैड के जस्ट बगल वाला रोड है, हेलीपैड जहाँ पे हेलीकॉप्टर आता है। तो फैसिलिटीज़ की भी आज हम बात करने वाले थे, तो फैसिलिटीज़ में हमने आपको वॉलीबॉल खेलते हुए स्टूडेंट को दिखाया, उसके अलावा टेनिस ग्राउंड जो है उसको दिखा दिया, और अब बात आती है कि शायद फुटबॉल ग्राउंड की बात आती है, तो फुटबॉल ग्राउंड को हम देख लेते हैं। बिल्कुल आपको अंदर भी लेकर चलेंगे, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, मना ही की जाती है उस क्षेत्र के अंदर जाने के लिए, मगर आपको हम वो भी एरिया दिखाने वाले हैं। तो इसीलिए करीब 45 मिनट की ये वीडियो आप तक पहुंचाई जा रही है, स्किप करके इसको बिल्कुल ना देखें, और अगर हमें लगा तो हो सकता है इसके दो पार्ट भी हम कर दें, बट हमें नहीं लग रहा कि इसके दो पार्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ही वीडियो एक ऐसी वीडियो हो जिसमें पूरा कैंपस आपको, पूरा रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो, पूरा कैंपस हो, बाहर क्या है, अंदर किस तरीके से आपको एंट्री करनी है, आपको अंदर का नज़ारा कैसा मिलेगा, गार्ड आप या कहाँ कहाँ बैठे रहते हैं, और सिक्योरिटी के क्या क्या इंतज़ाम हैं, और तमाम तरीके की फैसिलिटीज़ के बारे में एक ही जगह जब आपको मिलेगी। ये देखिए ये जो है पूरा फुटबॉल ग्राउंड है, तो इतना बड़ा ग्राउंड राजस्थान की यूनिवर्सिटी में इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कहीं होगा, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करूं तो वहां पर इतना बड़ा ग्राउंड मैंने कहीं नहीं देखा। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय जिसे हम कह सकते हैं जो राजस्थान में है, केंद्र की तरफ से संचालित होता है और तमाम तरीके की सुविधाओं से लैस है। देख लीजिए आप, ये फुटबॉल ग्राउंड है और यहाँ पर जो है स्टूडेंट रनिंग के लिए भी आते हैं, क्योंकि पूरे गोल गोल जो है सड़क बनाई हुई है, तो यहाँ पर स्टूडेंट घूमने के लिए भी आते हैं और वॉक के लिए भी आते हैं और रनिंग के लिए भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बात करें यूनिवर्सिटी की, जब बात कर रहे थे तो दिस इज़ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से हमने रेस्ट्रिक्टेड एरिया जो है उसको काट दिया है, और उसका थोड़ा सा पार्ट हम डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक डाल देंगे, उसमें आपको जो है रेस्ट्रिक्टेड एरिया यूनिवर्सिटी का है जो करीब 7 से 8 किलोमीटर का है वो आपको इसमें मिल जाएगा। और अभी हम तीन गेट हैं यूनिवर्सिटी के, तो गेट नंबर 1 आपने देख लिया, गेट नंबर 3 आपने देख लिया। दिस इज़ द सर्किल ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एरिया, मतलब कि यहाँ पर एडमिन की बिल्डिंग के लिए आते तो
मेगा मेज से आते हुए आपको ये जो पीछे निकला था उस टाइप का सर्किल मिलने वाला है। गेट नंबर 2 अभी हमने नहीं देखा है, गेट नंबर 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं और गेट नंबर 2 को है पूरा देखने वाले हैं। और गेट नंबर 2 में जो है ना तो स्टूडेंट्स को एंट्री मिलती है और चूंकि स्टाफ जो है कभी कभार वहां से आ सकता है, गेट नंबर 3 के पास में ही है वो, बगल में बात करें तो एसटीपी पॉइंट है वहां के, तो जिस वजह से है वो जो है मोस्टली टाइम गेट है बंद रहता है क्योंकि उस गेट का कोई यूज़ भी नहीं है और गेट में कोई आवाजाही भी नहीं होती, तो उस तरीके से गेट बंद है। तो यहाँ से जो है मुंडे वाले हैं हम और गेट नंबर 2 आपको जस्ट देखने वाला है, वहाँ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद रहता है और आज जो है सुरक्षाकर्मी मुझे लगता है या तो एसटीपी पॉइंट पर गए हुए हैं, अभी जो है गेट का लॉक लगा हुआ है। इधर एसटीपी पॉइंट है, वापस हमने गाड़ी को मोड़ा लिया है और वापस से यूनिवर्सिटी के जो है हम गेट नंबर 1 की तरफ हम जा रहे हैं और बीच में केवी स्कूल हमको पढ़ने वाला है, तो केवी केंद्रीय विद्यालय के लिए हम एक शॉर्टकट लेंगे। केंद्रीय विद्यालय के पास में पौंड है, उसको भी हम दिखाएंगे आपको। और यूनिवर्सिटी की रोड है, पीछे वाली रोड है और ये इस रोड के और बांदे सिंधी जो यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 3 है उसकी रोड के बीच में जो गैप है उसमें हरियाली है, तो बहुत कम जो है स्टूडेंट इधर आते हैं और कम स्टूडेंट की आवाजाही के चलते देख लिए रोड जो है बिल्कुल सुनसान है। ग्रीनरी पूरी रोड पे दोनों बगल है और ये वाला रोड भी जो है केवी के लिए गया था, केंद्रीय विद्यालय के लिए। हम आगे वाला शॉर्टकट हम लेते हैं, तो आगे वाले शॉर्टकट की तरफ हम बढ़ रहे हैं और देख लेंगे यहाँ पे कि अब वो जो शॉर्टकट है वो हमको अंदर तक ले जा पाता है या नहीं ले जा पाता। अंदर यहाँ पे कटी लिए झाड़ियाँ भी हैं और मुझे लगता है आगे जो है रास्ता शायद ब्लॉक है, देख लेते हैं आगे चल के थोड़ा सा और देख लीजिए। जैसा हमने सोचा था वैसा ही है, आगे रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है और वापस हम गाड़ी को टर्न कर लेते हैं। ये आगे जस्ट दिख रहा है जो है वो आपको पॉन्ड का एरिया है, तालाब है, तालाब का एरिया आपको जस्ट आगे दिख रहा है। गाड़ी को वापस मुड़ा लेते हैं, थोड़ा डर तो लग रहा है कि गाड़ी पंचर होने का क्योंकि जहाँ पे हम आए हैं वहाँ पे कटीला रास्ता है और कांटे जो हैं सड़क पर बिछे हुए पड़े हैं। वापस से हम जो शॉर्टकट छोड़कर आए थे उसी शॉर्टकट पर हम जाने वाले हैं। केंद्रीय विद्यालय को दिखाऊंगा मैं अभी, तो यहाँ से टर्न ले लेते हैं। ये वाला रास्ता एकदम ओके लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आवाजाही जो है कंटिन्यू है, रोज़ आवाजाही होती है, सुरक्षाकर्मी हैं, पेट्रोलिंग गार्ड जो हैं वो यूनिवर्सिटी की सुरक्षा के तौर पर रोज़ जो है 3 या 4 बार राउंड लगाते हैं इन रोडों का। ये देख लीजिए आपको फूल पत्ती या पेड़ दिख रहे हैं, तो ये केंद्रीय विद्यालय आपका आ गया। और देख लेते हैं इसको, अभी जो है केंद्रीय विद्यालय बंद है, ये रविवार के दिन जो है शूटिंग की जा रही है पूरी, रविवार के दिन विद्यालय बंद रहता है जिसकी वजह से विद्यालय का गेट लगा हुआ था। अभी हम जो है गेट नंबर 3 की तरफ वापस जा रहे हैं और गेट नंबर 3 पर ही, 3 से शुरुआत हमने हमारी ट्रिप की थी और गेट नंबर 3 पर ही हम ख़त्म करने वाले हैं। ये छोटे छोटे ब्रेकर्स जो हैं आपको रोड पर मिलेंगे क्योंकि जो है कहीं ऐसा ना हो कि आप अचानक से गाड़ी की रेस को खींच दें, तो धीरे धीरे गाड़ी चलाने के लिए आपको जगह जगह पर, जगह जगह की बात नहीं करें तो देखिए 2-3 जगह तो आपको ब्रेकर यूनिवर्सिटी के अंदर मिलने ही वाले हैं जो कि ये वाला रोड है। तो फाइनली यहाँ से हमने यात्रा की शुरुआत की थी, यहाँ तक हम वापस आ पहुँचे हैं। ये फूड हाउस से बांदे सिंधी की तरफ हम अब बढ़ रहे हैं और अभी के लिए बस इतना ही, हम अपनी यात्रा को यहीं ख़त्म करने जा रहे हैं। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिवर्सिटी वाकई में बहुत खूबसूरत है, ये आप भी जान चुके हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारी अपडेट देखते हैं, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय से कहीं भी आपका कोई भी ताल्लुक है
तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब हमें कर लीजिए, क्योंकि यहाँ की हर एक अपडेट हम आपको देने वाले हैं। तो जिधर हम बाइक लेकर जा रहे हैं उधर भी एक बहुत अच्छी जगह है, अगर आपको वो अच्छी जगह देखनी है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको वो जगह भी दिखा देंगे। अभी के लिए बस इतना ही, लेते हैं अलविदा।